सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब शॉर्ट्स। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी पिलिक्स हेयर ग्रोथ सीरम की, और मैं आप लोगों से कह रही थी मैं उसका रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज इसका बहुत स्लो प्रोसेस है। कम से कम 2-3 सीरम की बॉटल तो ख़त्म करनी ही होगी। मेरी अभी एक ही चल रही है, वो भी मैंने रेगुलर नहीं लगाई, कुछ टाइम तक लगाई थी, देन अभी मैंने छोड़ रखी है फॉर सम रीज़न, ऐसे टाइम नहीं मिला है। तो लेकिन उसको डेली रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ, मेरी थोड़ी थोड़ी ये हेयर ग्रोथ आई है, मतलब थोड़ी थोड़ी ये जो बेबी हेयर है उस सीरम से इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरे ये बेबी हेयर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो वैसे मेरे को लगता है कि मेरे बहुत स्लो है हेयर ग्रोथ, जो मेरी ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है। सो फिर भी ये जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है, और मेरे यहाँ भी बहुत हल्के हल्के बाल हैं, ये जो है मेरे जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा हल्के हल्के बेबी हेयर आना स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर कर देखें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक बॉटल से कुछ नहीं होगा, जो भी एक पैक होता है बहुत लंबा टाइम लगता है हेयर ग्रोथ में अगर ऐसे होता है। बाकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डाइट लेना कंपलसरी है। आप ये मत सोचो कि आप सीरम लगा रहे हो तो आपके हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कोई भी सीरम एंड शैम्पू वगैरह का। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं कौन से डाइट फॉलो कर रही हूँ और मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपसे भी शेयर करूँगी, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं और ज़्यादा रीजनेबल भी है, कोई एक्सपेंसिव फूड वगैरह नथिंग कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वॉग, बाय।